उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक व्यक्ति को सीएए के विरोध करने वालों को समझाना इतना भारी पड़ा कि पहले उसके साथ मारपीट की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसका हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इस सब से परेशान होकर पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया। पुलिस अधिकारी जांच कराने और विधिवत कार्यवाही की बात बोल रही हैं। मामला मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे के गांव सिरसखेड़ा के रहने वाले इदरीस अहमद एडवोकेट से व उनके परिवार से जुड़ा है। इदरीस ने जो बात शिकायती पत्र में लिखी है वही कैमरे के सामने बताया कि सिरसखेड़ा की चांद मस्जिद का इमाम अनीस मियां सीएए और एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों को गुमराह कर नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने इमाम को ऐसा करने से मना किया तो इमाम अनीस मियां ने 13 जनवरी को लोगों को साथ लेकर उनके घर पहुंचकर उनके व बेटे खाकान के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, अब उनका हुक्का पानी बंद करते हुए पूरे परिवार सहित सामाजिक व धार्मिक बहिष्कार भी कर दिया। इदरीस पर व उसके परिवार पर मस्जिद में नमाज पढ़ने व लोगों से बोलने और सामान खरीदने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सामाजिक बहिष्कार के लिए बोले जाने का एक ऑडियो भी इदरीस द्वारा उपलब्ध कराया जिसमें भरी पंचायत में इदरीस के पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार किए जाने की बात जामा मस्जिद के इमाम शाहिद के द्वारा बोली जा रही है। इसके अलावा भी कई आपत्तिजनक बातें उस ऑडियो में सुनाई दे रही हैं। आप पहले सुने यह ऑडियो जिसमें इदरीस के पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार किए जाने की बात कही जा रही है। अब देवबंदियों की हत्या पर आपको मालूम है तो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे वो हमारा बहुत ही खतरा है यार। तुम किस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो? तुम देखो तो सही किस दहाने पे खड़े हो, किस नतीजे पर आप पहुंचे हो? जो रसूल का गुस्ताख है उसको तो अपना महबूब समझ रहे हो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया उससे तुम राबता रख रहे हो और फिर वही तुम्हारे इमाम को मार दिया। भाई सोचो सही, कहां दहाने पर खड़े तुम? क्या तुम्हारी इज्जत रसूल की इज्जत से बढ़ गई? क्या तुम्हारा वकार रसूल के वकार से बढ़ गया? ये इमाम के वकार से तुम्हारा वकार ज्यादा है? नहीं है ना, इमाम के वकार ज्यादा। जब भी तो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, छोटे बड़े से बैठे, अगर मैं केवल 27 साल का आदमी इनके सब बड़े बड़े सामने कैसे बोल सकता हूँ? एक इमामत की हैसियत से बोल रहा हूँ मैं यहाँ मनसब पर। तो फिर जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मुझे कोई मारेगा तो फिर तुम क्यों बर्दाश्त करोगे वो मारेगा जो गुस्ताख है रसूल? और मेरी कोई गलती ना हो भाई, क्या गलती थी इमाम साहब की जो बाहर मैं तो चलने पर चलने देते, चाहे वो कहीं भी चल जाता। ये क्या इमाम साहब नमाज पढ़ के निकल कर तुम रास्ते में घेर करके मारोगे इमामों को? भाई ये कौन सी बात हो गई? ऐसा है अगर तुम्हें आखिर उनकी फिक्र करनी है तो उसका बायकॉट करना होगा, उससे रब्ता खत्म करना होगा, समझे? उसके घर नहीं जाना होगा, उससे बात नहीं करनी होगी। ये जो दोस्ती चलती है ना फूलों पे, उसके लड़के के 1000 दोस्त होंगे, नहीं में तुम्हें 100 दोस्त होंगे उसी के लड़के के। क्यों भाई? तुम्हारा दोस्त हो गया वो इमाम नहीं है तुम्हारा? वो तुम्हारा दोस्त जो दोस्त है तुम्हारे इमाम पर हाथ उठा गया, तुमने कभी सोचा नहीं गरीबान पर झांका नहीं? तुम कल को उससे फिर दोस्ती का हाथ मिलाओगे बढ़ाओगे तो फिर वो कल को जो इमाम साहब का गरीबान पकड़ा कल को वो इमाम साहब के साथ कुछ भी कर सकता नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना बढ़ जाएगी। और एक इमाम के साथ नहीं वो देवबंदियत छोड़ नहीं सकता, ये मैं कसम खा के रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ वो कई बार तौबा कर चुका है, वो कई बार तौबा कर चुका है, वो देवबंदियत नहीं छोड़ेगा। जो भी इमाम आएगा उससे खटपट रहेगी, क्योंकि तुम इमाम रखोगे मसला के आला हजरत का तो वो रहेगा देवबंदी, तो खटपट रहेगी इमाम पर, उसमें बनेगी नहीं किसी भी इमाम की। तुम मुझे रख लो, किसी और को रख लो, बनेगी नहीं। तो अब बस ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, मैं एक जुमले के साथ बात कह देता हूँ, उसका बायकॉट होना है और उनका भी बायकॉट होना है जो उसके साथ रहेंगे, सबको बायकॉट करना है, सबको मिलकर। यहाँ देवबंदियत जन्म नहीं लेगी, ये जिम्मेदारी है हमारी, बाहर ये जन्म नहीं लेगी। तुम पढ़े लिखे होते ही पढ़े लिखों पर बैठो तो तुम्हें मालूम होगा देवबंदी क्या है। ये जो हुकूमत हमारे ऊपर जो हावी हुई है ना गवर्नमेंट, ये देवबंदियों की वजह से हुई है, वरना जब तक सुन्नियों का गलगला था ना कभी किसी की हिम्मत नहीं कि हिंदू मुंह उठाए, समझ रहे? ये देवबंदी वहावियों की वजह से हुआ जो हिंदुस्तानी हुकूमत हमारे ऊपर जो है
गलगला कर रही है। इनके बहुत ज्यादा ज्यादती हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा खुराफात की हैं, आज तक इन्होंने उलामा को मारा है। यहाँ की तारीख नहीं, अरब की उठाओ तारीख, नज़्दुल हिजाज किताब है हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कितने उलामा अहले हरमैन शरीफ को कत्ल किया, शरीफ मक्का तक के वहां के लोगों को। ये तो उलामा को मारने का इनका काम है, जैसा भी आपने देख लें तो दूसरा रिश्ता है यार, इसका तो कुछ ना कुछ नतीजा होना चाहिए। दूसरी बात, इमाम साहब सैयद कहलाते हैं और हैं, ये निस्बत बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। एक सैयद एक आया जो है नाइब रसूल, ठीक है, इतनी सारी होने के बाद उसके साथ साथ इमाम साहब आलिम है। एक तो हाफिज कारी होते हैं, इमाम साहब आलिम है यार, तो एक आलिम दीन, इतनी सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारे इमाम को दी है और उसी इमाम पर लोग हाथ उठा रहे हैं यार, बड़ी बे जो है गैरती की बात है, बड़ी बेहयाई की बात है। इसलिए हमें हमें सोच सके कदम उठाना है, हुकूमत को भी देखना। बस मेरा एक जुमला, उसका बाइकाट हर हाल में होना चाहिए, उसका बाइकाट हर हाल में होना चाहिए, करेंगे भी करेंगे, उसका बाइकाट करना है, उसका हुक्का पानी बंद करना है समाज से। ये खड़े हैं मुर्शिद भाई, वोट की फिक्र मत करना भाई, आखिरत की फिक्र करना। मैं सही कह रहा हूँ, लोग वोट के चक्कर में सारी बकार और इज्जत खत्म कर बैठे हैं। बुरा मत मानना मेरे बात, जब से हिंदुस्तान में राजनीति आई है, हिंदुस्तान में राजनीति आई है, इस्लाम को इतना जो है लोगों ने पीछे रख दिया है, बहुत ज्यादा वोट के चक्कर में बोलते ही नहीं है। अब एक वोट से जीत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिताना होगा, तो कितने लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल दो। इसलिए गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, पाकिस्तान का नारा है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन इस्लामी हुकूमत नहीं है, सरतन से जुदा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है हम उसका मुआशरे से बायकॉट कर सकते हैं, और ये करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो लास्ट बात में सबसे पहले इस्तीफा मेरा होगा, और आने वाले इमाम को जब रखा जाएगा, जब मैं यहाँ आ जाऊंगा और रह गया ना, तो उसको भी मैं निकालूंगा। मैं बहुत जल्दी आदमी हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कैसी जगह पर आ जाए जहाँ इमाम पिटते हैं। कल मुझे अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद है, खुदा हाफिज़ की अमान दिला। आपने सुना कि ऑडियो में कैसे इदरीस के पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार किए जाने की बात की जा रही है। वहीं पीड़ित इदरीस ने प्रार्थना पत्र देकर परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये सारी बातें इदरीस ने कैमरे के सामने भी कही। जब गांव सिसरखेड़ा जाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की गई तो वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। गांव में घुसते ही प्रधान निवास के बाहर ही लोग पंचायत के रूप में एकत्रित थे और इमाम अनीस मियां भी वहीं मौजूद मिल गए। इस बाबत जब इमाम से पूछा गया तो झगड़े की बात तो सही बताई, लेकिन झगड़े का कारण CAA और NRC नहीं, बल्कि झगड़े का कारण दीनी बात को लेकर मतभेद बताया गया, जो काफी दिनों से चल रहा है। इमाम ने भी इदरीस के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पंचायत में मौजूद सिरसखेड़ा के प्रधान इकरार से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि CAA और NRC इंटरनेशनल मामला है। यह पूरा मामला CAA का समर्थन करने पर एक शख्स का परिवार सहित सामाजिक व धार्मिक बहिष्कार से जुड़ा है, तो पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि इस संबंध में शिकायत मिली है, जाँच कराई जा रही है, उसके उपरांत विधिवत कार्यवाही भी की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। लेकिन ज़्यादा बहस बढ़ गई और यहाँ तक कि वो मेरे मुखालिफ बनते गए, तो मुखालिफ इतने बड़े कि फिर मेरे ऊपर तोहमत लगाने शुरू की। दरोगा जी ने उनसे कह दिया ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब मैं थाने पहुंचा तो दरोगा जी ने दोबारा उन लोगों को फोन लगाया, बोले भैया मैं हूँ मुरादाबाद में कप्तान साहब के, आपका भी लगाया था। हाँ, तो मैं थाने से वापस आ गया। सुशील भाई आईडी निकाल, 50 लोगों से पूछ लो गांव में, 50 सैकड़ों आप बता देंगे, ये बात सही बात है। तो उधर ले ग्राउंड में ले ना, यहाँ तो कोई होते नहीं है ये ऐसा। हाँ अभी लागू नहीं, नहीं जब इसका मतलब CAA हुआ, CAA क्या तारीख में लागू।
धार्मिक मामला था इससे और एनआरसी से क्या धार्मिक मामला था आप का मतभेद 5 महीने से चलाने वाले ना अब वही है ना वो चल रहा है मामला उल्लेख से जो और क्या गया और इससे काय होया हमारे यहां कोई ताल्लुक नहीं जानता भी नहीं गांव में तो पूरे इलाके में वहां से ताल्लुकात तो पूरे इलाके में कोई ना क्या लोग आगे चल रहे हैं बना लिखते तो क्या आप लोग भी नहीं आ पाते देखिए हमें तो जो है ना सही दिखाना है ना बस जो बात है हम ये चाहते हैं भाई साहब जो भी यहाँ तो वो क्या तो कोई भी नहीं आया गाड़ी तक की पुलिस क्या कोई बात ही नहीं ना हिंदू मुसलमान में हमारे कोई बात ही नहीं फिर भी हमारा मुसलमान सही रहे सही है अपना हमारा बात बढ़िया गया अच्छा समझता बढ़िया मौका बढ़िया मौका सही बात किसी जाएगी सब जानते हैं मतलब मस्जिद तो भाई वैसे भी फोर्स लगाई गई तो मगर हमारे यहाँ जब कोई बवाल ही नहीं तो कोई भी नहीं आया आज दिन तक गाड़ी तक की पुलिस क्या है मगर कोई बात ही नहीं न हिंदू मुसलमान सबसे मेन चीज ये है कि एनआरसी तो अभी 10-20 दिन से लागू हुई है इसका झगड़ा तो पिछले 5 महीने से चल रहा है हाँ ये बात सही है और क्या हकीकत यही है भाई एनआरसी को लेकर किसी मस्जिद के इमाम से आपका कोई विवाद हुआ है जी हाँ क्या विवाद है वो बस ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं राष्ट्र हित की बात है इमाम से मेरी वो लोगों को इसके मतलब सीए एनआरसी वगैरह को लेकर मिसगाइड कर रहे थे कि ऐसा और ऐसा इसके खिलाफ चलो एहतजाज करो प्रोटेस्ट करिए मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है हम सब यहाँ के निवासी हैं हमारे लिए कोई समस्या नहीं है हमारा राष्ट्र है हमारा देश है हम यहीं जिए हैं पैदा हुए हैं यहीं मरेंगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास प्रूफ है कोई बात नहीं है रही बात ये कि ये तो एक ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो बेचारे हमारे पड़ोसी मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान है अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है जहाँ भी है बहरहाल अल्पसंख्यक हैं और वहाँ उनके साथ ज्यादती हो रही है पहली बात तो यह कि ज्यादती नहीं करनी चाहिए इससे इस्लाम की छवि ख़राब होती है अगर कोई मुस्लिम या अहले इस्लाम इस बात की बात करता है तो ये गलत है इस्लाम ऐसा मैसेज देते नहीं इस्लाम सबको गले लगाता है सब अल्लाह के बंदे और सबसे प्यार प्रेम सिखाता है इसमें कोई नफरत नहीं होनी चाहिए उनके साथ वहाँ जुल्म ज्यादती होनी ही नहीं चाहिए थी अगर है तो जाहिर सी बात है हर आदमी अपने ईमान को बचाने का हक रखता है वो अपने ईमान और अपनी जान के बचाव के लिए कहीं ना कहीं शान लेगा कहीं पना लेगा कहीं पड़ोसी मुल्कों में जाएगा तो इमाम साहब से क्या इस बात को लेकर इमाम साहब से क्या होगा इमाम साहब यही उकसा रहे थे कि भाई हमारे खिलाफ है और हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और ये दूसरों के लिए नहीं ये तो एक बहाना करती है सरकार मैंने कहा ऐसा नहीं है आपके लिए आप इसे समझिए और समझने की कोशिश करिए और धार्मिक संप्रदायिकता या कट्टरता पर कोई भी आप स्पीच या भाषण ना दिया करें अपने आवाज को भी और अपने शब्दों का अल्पास को भी बहुत ध्यान से आप पढ़ें क्योंकि आप ये मस्जिद के रास्ते पर आम रास्ते पर है लोग यहाँ से सभी गुजरते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसा ना हो कि आप फंस जाए मैंने इनको बहुत समझाया था बैठ कर किन लोगों को मतलब भड़काते थे वो ये वही जो अपने उनके मुख्तदी हैं जो उनके फॉलो करते हैं नमाज पढ़ते हैं जुमे में सब लोग इस्तेमाल जमा होती है फिर क्या उस पर एक बड़ी भीड़ है फिर क्या हुआ बस इसको लेकर उन्होंने ये प्रतिक्रिया रिएक्शन किया कि मेरे समझाने को बिल्कुल उसका दूसरा रुख दे दिया उन्होंने मस्जिद में मेरे खिलाफ ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं देवबंदी बरेलवी वहाबिया ये बदअकीदा है इसका ये ईमान से खारिज है ये ऐसी बातें करता है और इन शब्दों को लेकर पब्लिक को मेरे खिलाफ भड़का दिया और खुद भी और इसके साथ के कुछ ऐसे खास गुर्गे हैं जो इसके साथ लगे रहते हैं हर टाइम में और कुछ और अपने सहयोगियों को लेकर मेरे घर पर हमला कर लेकिन मस्जिद के इमाम साहब का ये कहना है कि आपका कोई पुराना 5 महीने पुराना कोई विवाद है जो कि दीनी विवाद है और उस दीन के मामले पे आपकी राय अलग है और मस्जिद के इमाम की राय अलग है जिसको लेके आपके बीच में विवाद चल रहा है और उसको लेकर आपके बीच में मारपीट है देखिए दीन में कोई राय अलग कैसे हो सकती है आपका एक धर्म है क्या आपके धर्मों के विचार धार्मिक विचार तो अलग नहीं हो सकते हमारे अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचार तो अलग हो सकते हैं कोई सामाजिक मामला है ठीक है आप कैसा कपड़ा पहनते हैं आप कैसे रहते हैं आप कैसा खाते हैं सामाजिक मामलों में तो मतभेद हो सकता है लेकिन धार्मिक विचारों पर कोई मतभेद नहीं हो सकता अगर इस्लाम का कोई कानून है तो एक ही कानून है
लेकर पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक उसका कुरान है, ग्रंथ है, वो जो कानून कहता है वही सबके लिए मान्य है। इसमें मतभेद की क्या बात है? आपके यहाँ भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक उसका तो मतभेद दूर किया जा सकता है, धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए, धार्मिक ग्रंथ में कोई मतभेद नहीं है। ये तो मतभेद विचारों के, सामाजिक विचारों के हैं, राष्ट्रहित के, राष्ट्र विचारों के हैं। यानी कि आपके हिसाब से आपकी कोई रंजिश नहीं है ना कोई? ना, मेरी कोई रंजिश नहीं, मेरे किसी गांव में कोई रंजिश नहीं, कोई आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, मैं थाने तक भी ले गया इस पेशे में रहने के बावजूद। अच्छा, फिर आपने क्या किया? अब क्या किया साहब, ये तो फिर अपना डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए फिर मुझे अपने वकील साथियों का सहारा लेना पड़ा, मुझे इनसे शिकायत करनी पड़ी। ये लोग मतलब इतना हमला करके मेरे पास, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया, दरवाजा बंद किया। कुछ लोग शोर शराबे पे आ जाते हैं, कुछ भले भी लोग हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन वो भी बेचारे खामोश हैं, खामोशी से मेरी कुछ मदद भी कर देते हैं। मैं इस बात को कचहरी आया, उन लोगों ने ये फौरन ही इस हादसे के बाद, घटना के बाद, हमारे साथ ज्यादती करने के बाद फौरन ये थाने पहुंच गए सैकड़ों आदमी और सब एक जमा। क्या जो आप कह रहे हैं कि ये लोगों को भड़का रहे थे, तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो भी है आपके पास? उस वक्त की तो मेरे पास वीडियो नहीं, मैं कोई मोबाइल चलाना जानता नहीं, एक सारा सा मोबाइल अपनी जेब में रखता हूँ, ये है। लेकिन अब ये बात की जो इस भड़काने के बाद ये जो एक तरह से एक अशांति फैली है और एक ये हमला किया है, इसके बाद फिर देखिए वही शब्द दोहराए गए हैं जो पहले कर रहे थे। उसकी ऑडियो है, वो ऑडियो आपके सामने अब है, ये वही शब्द हैं जो पहले थे, आज भी वही आपके सामने आए हैं। बस उसको ये राष्ट्रीय ये एनआरसी एससीए का नाम न लेकर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। क्या शब्द उसमें कैसे, क्या शब्द हैं जो? यही है कि ये देवबंदी है, वहाबी है, बरेली भी है, जैसे जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, और ये बदअकीदा है, और इसका ये धर्म भ्रष्ट है, अधर्मी है, ये ऐसे शब्दों का, अधर्मी मैं आपको समझा रहा हूँ, अधर्मी शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने ये आरोप लगाया, और फिर इसमें पाकिस्तान का नारा लगाया। पाकिस्तान वाले कानून की हिमायत किए हैं इन्होंने, जैसे पाकिस्तान में ईश वहाँ मतलब वो ईश अपमान पर कोई वो होता है उनका कानून, और वो एकदम सरकलम कर देते हैं, क्या करते हैं, मतलब ये माना जाए ये जो मामला था सारा सीए को लेकर ही है, राष्ट्रीय हित को ही लेकर है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। और हम ये चाहते हैं कि सभी धर्म जात के लोग मतलब अपने अपने इन चीजों से उठकर बात करें और मिलकर रहें, तालमेल से रहें, प्रेम से रहें, ताकि हमारे देश को आपस में कोई भी झगड़ा होता है तो हमारे देश का ही नुकसान होता है, हमारे देश के खजाने को चूना लगता है। तो फिर वो इस बात को नकार क्यों रहे हैं कि सीएए का कोई मैटर नहीं है? नहीं तो अब तो वो छुपाएंगे ना, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, इस चीज को तो वो दूसरा रुख दे दिया उन्होंने। और ये रुख बड़ा आसान है, किसी के खिलाफ बदला लेना होता है इन इमामों को या लोगों को, तो बस ये कह दो ये अधर्मी है। क्या इस बात को लेकर अधिकारियों से मिले? जी हाँ, मिले। किन से? एसपी आर्य साहब से मिले थे, ये था। एसएसपी साहब मिल नहीं पाए थे, परसों हम मिले हैं, ये है, और कल छुट्टी की वजह से यहाँ आ नहीं पाए थे। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? जी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जांच कराएंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन इस जांच में ये होगा कि सब तो एक ही जबान, एक ही मुंह है, और इस शब्दों का वो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे दोबारा। अब हमने ये बता भी दिया कि उसके मिलते जुलते कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे पास इस दूसरे, अब हम होशियार हुए ना, मैं तो चलाना जानता नहीं, मेरे पास ये सारा सा मोबाइल रहता है, ये मैं नहीं जानता इससे, मेरा बेटा ही कुछ जानता था, ये है, ये उस मस्जिद में नहीं था। पूरा गांव आपके खिलाफ है, पूरा इलाका आपके खिलाफ है, क्या आपको डर नहीं लगता? हाँ, अब तक तो बड़ा, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन अब ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि अब ये दूर दराज तक इन्होंने सबको अपनी फेवर में लिया और उस अधर्मी शब्द को ही इस्तेमाल किया, इन्होंने अपने ये वाले मुद्दे सब छुपा। क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में रहूँ, वहीं जूँ, वहीं मरूँ, अपने सब हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ में रहूँ, और मेरा कोई भी ये बायकॉट जो कर रखा है टोटल, धार्मिक भी और सामाजिक भी, ये खत्म किया जाए। मेरे भी बच्चे और बेटे बेटियाँ हैं, शादी ब्याह होने हैं, इन लोगों ने मुझे जीना दुश्वार कर दिया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जिससे लोग नफरत करने लगे। किस तरीके का बहिष्कार कर रखा है आपका? मस्जिद में मत आने दीजिए इसे, और इसे कोई सौदा ना दे, कोई दुकान इस पर इसे चढ़ना ना दे, कोई बोले नहीं इससे, सब टोटल सब मामले इससे बंद कर दिए हैं, ये तंग हो गए, खुद ही गांव छोड़ जाएगा। अच्छा, मस्जिद के ठीक सामने आपका निवास है, तो ये तो आमना सामना तो रोज होगा आपका। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि इमाम यहाँ ना रहे, जो भी इमाम आए या तो कोई अपने शब्दों को वापस ले, इससे क्षमा याचना करे, माफी मांगे, तौबा करे, और आइंदा ऐसी हरकत करने से बाज रहे तो ठीक है, और नहीं है तो फिर दूसरा इमाम है और उसे समझा दिया जाए इस बात के लिए। पुलिस कार्रवाई को कहां तक लेके जाएंगे आप?
पुलिस में तो साहब उन्होंने हमारे खिलाफ हमें मुलजिम बनाया है और पुलिस कंप्रोमाइज की कोशिश कर रही है क्योंकि सारी पब्लिक एक तरफ है, वो हमें सही मान ही नहीं रही। अब ये बताइए कि साहब अक्सरियत मेजोरिटी जो बहुमत है वही तो अल्पसंख्यक पे जुल्म करेगा या अल्पसंख्यक बहुमत पे जुल्म कर लेगा? आप बताइए, हम दो बाप बेटे हैं और हम कहाँ से जबान लेना है? जो हमारे कुछ हमदर्द भी हैं वो खुफिया तौर पर जैसे वीडियो ऑडियो भेजी उन्होंने, वो भी सामने कहने को तैयार नहीं है। मेरे घर मेरे कुछ लोगों से वास्ते थे, दूध आता था कहीं से भी, तो उन्होंने भी कहा यार तुम दूध लेना बताना और भेजना भी मत, चलो मैं भिजवा दूँ रात को किसी को टाइम, ऐसे बचाव करने लगे लोग। अच्छा, आपका परिवार पूरा पढ़ा लिखा है, वो कम्युनिटी साथ कम पढ़े लिखे, ये वजह तो नहीं है? हाँ, ये भी कारण है इसमें। मेरा घर मेरा परिवार इस गांव के अंदर सबसे अच्छा मतलब पढ़ा लिखा और शिक्षित परिवार है और मैं सब लोगों को देश और समाज के ताल्लुक से जोड़ रखता हूँ कि वैसे कैसे जीना है। तुम अपने देश का भी वफादार है ना, जब खुदा के वफादार भी हैं तो हम देश के वफादार हैं। जो अल्लाह का वफादार नहीं वो देश का भी वफादार क्या होगा? जो देश का वफादार नहीं वो अल्लाह का वफादार नहीं। ये बस मामे आप। मेरा नाम अनीस मियाँ है, मैं अफजलपुर का रहने वाला हूँ। क्या वाकया हुआ है आपके गांव के अंदर आपके साथ, ये एनआरसी और सीएए का क्या मामला है ये? जी ये सब गलत है, इसमें इसकी इस तरह की कोई बात नहीं, मेरी सिर्फ किसी दीनी मसले को लेकर मेरी मतभेद हुई थी उनसे, डॉक्टर इदरीस मास्टर इदरीस से, और इसी पर बहस होते होते ज़्यादा बढ़ गई और उनके बेटे ने मेरे साथ हाथापाई की है। ये मामला था मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर गेट में। तो ये एनआरसी और सीएए का मसला कहाँ से आ गया आपकी, अगर आपका पर्सनल मसला है तो? ये उन्होंने मेरे ऊपर ज्यादती की है, बाकी इसके मामले में मैंने कभी ना बोला है और ये पूरे बस्ती वाले गांव वाले बता सकते हैं कि इस मामले में मेरा इससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। ये मामला पुलिस तक भी पहुँच गया, आपको पता है इस? जी जी, अब ये इन लोगों ने पहुँचाया है, सब बता दिया इन लोगों ने मुझे कहाँ वहाँ तक पहुँचा है और इसी मजबूरी पर फिर ये लोग सब मुझे लेके गए साथ में, पूरी बस्ती मेरे साथ है। आप किसी से भी किसी अंदाज से बात कर सकते हैं कि बता देंगे मेरे बारे में सब कुछ। नहीं, आप इमाम हैं तो उनका आपसे किस बात को लेकर झगड़ा है? दीनी मसले को लेकर। क्या मसला माना है जो उनके खिलाफ हो रहा है? किसी दीनी बात में मेरी गुफ्तगु हुई थी तो वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे और मैंने सब लोगों को समझाया, मैंने कहा ऐसा अकीदा रखते हैं ये, हमारी शरीयत में जो जायज़ नहीं है ऐसा अकीदा रखना, वो मसला इन्होंने रखा और वो नहीं माना, इनकार करते रहे, आज भी वो इनकार करते हैं और इसी को साथ साथ लेके वो मेरे ऊपर जो है छह तरह का केस लगवाने तैयार थे और मेरे ऊपर जो है गलत जमात उन्होंने लगाए। सबको मालूम है बस्ती वालों को कहाँ तक इन्होंने कोशिश की है, मेरे ऊपर कीचड़ काफ़ी उछाली इन्होंने, बदनाम किया, गाली गलौच फिर इनके लड़के ने मेरे साथ में की। मैं जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते से जो है मुझे गाली गलौच मिलती थी उस लड़के से और यहाँ तक उसने फिर मेरे साथ में गाले गलौच की, हाथापाई की मेरे साथ मेरे। क्या पहले से कोई विवाद चला आ रहा है, पहले से रंजिश है कोई? पहले से कोई रंजिश नहीं। क्या आप पुलिस में गए? मैं भी इन लोगों के साथ में गया, डॉक्टर इकरार जी प्रधान साहब हैं इनके साथ में पहुंचा थाने में और मैंने शिकायत की। आप प्रधान हैं इस गांव के जी, यहां पर एक मामला आया है जो यहाँ के इमाम जी से जुड़ा हुआ है जी, सीए और एनआरसी का मामला है जी, नॉलेज में है आपके क्या है वो? नहीं, सीए का और जो ये मामला चल रहा है तो ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक चल रहा है लेकिन हमारे गांव में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं हर चीज़ की गांव में खबर रखता हूँ, ये बेबुनियाद इल्जाम है इमाम साहब के ऊपर। और हमारे यहाँ जो मस्जिद में तकरीर होती है वो दीन सिखाने के लिए होती है, ना कि किसी राजनीति के ऊपर। तो यहीं के एक व्यक्ति ने इमाम साहब पे आरोप लगाया? बिल्कुल सरासर गलत है, ये बुनियाद आरोप है। क्या मामला है, कुछ तो है फिर उनका आपस में मामला? अभी जो इमाम साहब ने आपको बताया जो भी ये दीन में बताना चाह रहे हैं वो चीज को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन इनको लोगों को ज्यादा नॉलेज है इमाम लोगों को, इमाम हुए या पंडित लोग उसके मंदिर के, जो वो हमें बताएंगे हम वही तो सीखेंगे, लेकिन वही चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं। इमाम साहब अपनी जगह ठीक है, वही चीज़ को मानने तैयार नहीं है। पिछले 5 महीने से इन लोगों में आपस में इसी चीज़ को अनबन है, लेकिन परसों उनके लड़के ने ये करा कि इमाम साहब हाथ चला दिया, इसलिए हम लोगों को जब पता लगा कि हाथ उठाने के बाद मुरादाबाद चले गए कप्तान साहब के यहाँ कार्रवाई करने, झूठे मुकदमे लिखवाने, तो गाँव वालों के साथ बस्ती वालों के साथ मैं इमाम साहब को थाने ले गया और थाने में मैंने एसओ साहब से शिकायत करी। हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं शक्ति सिंह, पूरा बाकी हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो जायज है वही होगा। जब इतने दिन से चल रहा था तो क्या मामला आप तक नहीं आया? मामला आया था, देखो हम जो है प्रधान है, केवल झगड़ा और बहस सुलझा सकते हैं, लेकिन दिन का मामला इमाम साहब और यही जाने, इमाम साहब जाना चाह रहे थे पहले ही, बोले भाई मुझसे अगर कोई एक आदमी नाराज है तो मैं जाना चाहता हूँ ऐसे, लेकिन पूरे गाँव की पब्लिक एक तरफा एक जगह है
छोड़ के जाना चाह रहे थे। हाँ, बोले बोले भाई हम इमाम साहब को किसी हाल में जाने नहीं देंगे। इमाम साहब छोड़ के जा रहे थे। इमाम साहब छोड़ के जा रहे थे, बोले भाई जब मुझसे को नाराज है तो मेरा जाना है ठीक नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो गाँव की पब्लिक ने इमाम साहब से मना कर दिया, बोले आपको किसी हाल में जाने नहीं देंगे। क्या सीए के बारे में आप लोगों को जानकारी है? ना, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी तक हमारे पास कोई जियो नहीं आया है। लोगों को सुनते रहते हैं, टीवी पर न्यूज आती है, देखते रहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ का माहौल इतना बढ़िया है कि बेचारा कोई इस आदमी को जिक्र नहीं करता। फिर ये मामला सीए का आ गया और सीधा थाने में। इसमें बहुत ज्यादा बड़े लिखे वकील हैं, अपने आप को वकील कहलाते हैं, वकालत पढ़ते हैं कि मैं इस चीज को मुद्दा उठाऊंगा तो सरकार अधिकारी लोग चौंकेंगे और इमाम साहब पर तगड़ा मुकदमा लगवा दूंगा। इस समय तो ये मुकदमा चल ही रहा है हर जगह। 376 की बात भी आई थी कि 376 में इमाम साहब को फंसवाऊंगा। नहीं, इमाम साहब भी और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं जी, तो ऐसा क्यों हो गया सर? फिर का अलग अलग होता है ना सर, देवबंदी का और सुन्नत का। दबंग आदमी है, वैसे भी दबंग आदमी है, उससे डरते ही आदमी। तो अब क्या हो रहा है इस मामले में? अब कुछ ना, दरोगा जी ने मुझे बुलाया था भाई, इसमें कॉम्प्रोमाइज कराए थे। मैंने साहब जैसा आप ठीक समझो हम तैयार हैं। दरोगा जी ने मुझे थाने बुलाया भी, दरोगा जी ने बात करी उनसे, वो लोग जब उन्होंने फोन करा उनको तो वो हंसी दे, बोले भाई मैं तो कप्तान क्या हूँ। तो फिलहाल एक प्रधान होने के नाते आप क्या चाहते हो इस मसले का, किस तरीके से हल होना चाहिए? भाई मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों में विवाद है निपटना चाहिए। जो इन दोनों में विवाद हुआ है मास्टर इदरीस में और हमारे इमाम साहब में, इन दोनों का जो है विवाद निपटना चाहिए। क्या आपने उनसे इदरीस से बात करी? मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई भाई, नंबर मैंने लगाया था लेकिन नंबर लगा नहीं उनका। और एक चीज और है मसला, हमारे इमाम साहब हैं, इनसे बड़े और भी इमाम साहब हैं, जैसे जामिया मदरसा है हमारे यहाँ और मौलाना ताहिर है, उन लोगों को भी हमने बुलाना सोचा है। वो इस बारे में और फतवा देंगे कि ये बात जायज है नाजायज है, जो इनमें बहस चली आ रही है शुरू से, कि ये बात कहाँ तक सही है गलत है, उनकी बात और माननी होगी। जो बात मास्टर इदरीस रख रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और इमाम साहब कह रहे हैं ये चीज़ गलत है, वो लोग जिस चीज़ की तफ्तीश कर देंगे वही चीज़ हम लोगों को सबको मंजूर होगी। इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, वहाँ तो इसका जिक्र, इस बारे कोई जिक्र ना हुआ, इसका कोई जिक्र उन्होंने उसमें भी नहीं करा। उसका जो प्रदर्शन है वो इंटरनेशनल लेवल का है, मस्जिदों में कोई बताया नहीं है। मस्जिद और मदरसे में धार्मिक उसकी कोई बातचीत कुछ नहीं मिली। तो क्या क्या मेन वजह, क्या इससे पहले भी कोई टसल रही आपकी उनसे? काफी दिनों से जी सर, जो धार्मिक मामला होता अकाइद होता है उसमें अकीदे में जो बात चलती है तो उस अकीदे पर जो गुरु बताएगा उसको मान लेना काफी होता है। अगर आप उस पर एक्शन लेंगे तो गुरु उसमें समझाने की कोशिश करेगा, अगर आप उसमें ज़ाती मुखालफत करेंगे तो फिर गुरु क्या कहेगा, मैं जगह छोड़ लूँ, जो है धार्मिक जगह है सरकारी तो होती नहीं है। इन्होंने जाना चाहा लेकिन एक आदमी की बुनियाद पर लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, बाकी लोगों ने जाने नहीं दिया, बाकी लोगों ने जब नहीं जाने दिया छोड़ के जाने जी, हाँ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ये किया कि इनको जो है हर वक्त इसको टॉर्चर करते रहते तुम्हें एनआरसी और सीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। ये थाने वाली बात कहाँ से आई, थाने आप गए थे या वो गए थे? वो एसएसपी के यहाँ पहले गए हैं। अच्छा, सर एसएसपी के यहाँ गए हैं जी, थाने हम लोग बात नहीं किया, वो तो खिलाफ अदब क्या होना, उसकी तो उन्हें माफी करनी ही होगी। अगर कोई मैटर था तो प्रधान जी को लेकर या पुलिस को लेकर भी जो है समझौता किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से मार लेना तो अपराध है। आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या चाहते हो आप? जैसे भैया ने बताया कि सर एक एडवोकेट और एक इमाम के बीच का एक मामला यह है, एडवोकेट का आरोप है सीए का विरोध और उसका फेवर लेने का मामला है, क्या आपके पास कुछ आया है सर? ऐसी इन्होंने कल एसएसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया और प्रथम दृष्टया आपसी विवाद का मामला प्रतीत होता है, बट फिर भी गहन जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।